वेलकम बैंकर्स टू बैंकर्स प्रमोशन चैनल। आज का टॉपिक है कैटेगरी ऑफ सबॉर्डिनेट स्टाफ एंड देयर ड्यूटीज़। न्यू ज्वाइन करने वाले सबॉर्डिनेट स्टाफ की परेशानी होती है कि उनको ब्रांच में क्या क्या काम करना होगा, उनका पोस्ट क्या होगा, इन सब के बारे में। ब्रांच में बहुत तरह के सबॉर्डिनेट स्टाफ होते हैं, जैसे कि कैश पियोन, दफ्तरी, हेड पियोन, लिफ्टमैन, वॉचमैन, आर्म गार्ड, बिल कलेक्टर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर एक्सेट्रा। मेनली तीन तरह के होते हैं, जैसे कि कैश पियोन, दफ्तरी, हेड पियोन और वॉचमैन। तो कैश पियोन की ड्यूटी समझ लीजिए, मैं ऊपर ऊपर से बोल देता हूँ, आप लोगों को चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। मतलब समझ लीजिए कि किसी के पास से पैसा लेना हो या किसी को पैसे देने जाना हो, ये सब कैश पियोन कर सकता है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा नहीं, एक बार में 5,000 कर सकते हैं। स्टाम्प खरीदना हो तो वो कैश पियोन की ड्यूटी है। पैसे को किसी दूसरे ब्रांच में ले जाना हो तो पैसे को अच्छे से बंडल करना पड़ता है, पैकेजिंग करना पड़ता है, वो सब कैश पियोन की ड्यूटी है। फिर अगर पैसे को रिमिटेंस के समय, मतलब पैसे को दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करने के समय अगर आर्म गार्ड या वॉचमैन ना हो तो वहाँ भी कैश पियोन एज ए आर्म गार्ड या वॉचमैन जा सकता है। फिर ड्यूटी ऑफ दफ्तरी, दफ्तरी की ड्यूटी क्या है, दफ्तरी की ड्यूटी बहुत सारी होती है। पहले ड्यूटी तो जितने भी पुराने फाइल्स हैं, नया फाइल्स हो पुराना फाइल्स हो, वो सबको अच्छी तरह से अरेंज करके रखना, जितने भी पुराने रजिस्टर्स है वो सबको रखना। सिर्फ ड्यूटीज़ ऑफ कैश पियोन की जो है सेम वो भी है, जैसे कि 5,000 तक पैसे को आना लाना, फिर देने जाना, ये सब करना, स्टाम्प का खरीदना, फिर जो वाउचर्स हो वाउचर्स को ठीक तरह से मेंटेन करने रखना, मिनिमम 5 साल तक वाउचर को मेंटेन करने रखना होगा, जो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जो जो लोन फाइल है, उन सबको ठीक तरह से रखना, ये सब दफ्तरी का ड्यूटी होता है। फिर होता है ड्यूटीज ऑफ हेड पियोन। हेड पियोन का ड्यूटी क्या है, वो बाकी सब सबॉर्डिनेट स्टाफ में अपना अपना ड्यूटी को डिवाइड करके देता है। फिर लीव अरेंजमेंट करता है, कौन किस दिन नहीं आया था वो सब अरेंज करता है। फिर सेफ की जो होता है कि किसको उस सबॉर्डिनेट स्टाफ को कौन से की देना है, ये सब वो देखता है।